रिप्रोडक्शन का मतलब है एक जानवर से दूसरे जानवर का पैर। एनिमल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होती है, कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं और कुछ एनिमल्स बेबी। अब मैं आपको उन एनिमल्स के बारे में बताऊंगी जो एग्स देते हैं। फिश, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। फिश और एम्फीबियन के ज्यादा तादाद में एग्स इसीलिए होते हैं क्योंकि या तो उनके एग्स सी एनिमल्स खा जाते हैं या तो उनके एग्स डैमेज हो जाते हैं। अब मैं आपको जो मैमल्स हैं वो बेबीज देते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स लिए हुए हैं जो जिराफ से जिराफ का बच्चा बेबी और टाइगर से टाइगर का बेबी, एलिफेंट से एलिफेंट का बेबी और हॉर्स से हॉर्स का बेबी। अब मैं आपको हैंड के एग के पार्ट के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप, आउटर पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड एल्बुमेन। व्हाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड एल्बुमेन। येलो पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड योक। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एग भी लिया हुआ है, ये जो व्हाइट पार्ट है इसको हम एल्बुमेन कहते हैं और जो ये येलो पार्ट है इसको हम योक कहते हैं। अब मैं आपको एक रियल एग भी दिखा देती हूँ, जैसे कि ये व्हाइट पार्ट है इसको हम एल्बुमेन कहते हैं और जो येलो पार्ट है इसको हम योक कहते हैं। अब मैं आपको एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगी। जो योक के अंदर माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो अंदर एम्ब्रियो को सांस देता है ऑक्सीजन। जैसे कि अब मैंने ये एग लिया हुआ है तो अब यहाँ पे योक के अंदर छोटा आपको सेल नजर आ रहा होगा, ये एम्ब्रियो है। जब फिर हम हैं इनको 21 डेज में इनक्यूबेट करती है तो इसी से चिक बनता है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। अब मैं आपको फंक्शन ऑफ शेल एल्बुमेन योक के बाद, जो शेल है ये जो है ये अंदर वाली को प्रोटेक्ट भी करता है और उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल भी हो जिससे वो एम्ब्रियो को सांस देता है, सिर्फ ये माइक्रोस्कोप से नजर आता है। अब मैं आपको एल्बुमेन का फंक्शन बताऊंगी। ये एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड करता है और ये योक को अपने से ड्राई होने से बचाता है। नेक्स्ट योक, योक है ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। काइटिन, सेट के एग के ऊपर वाला जो शेल है इसको हम काइटिन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो एल्बुमेन है और योक है ये खुद आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? आइए मैं बताती हूँ आपको। ये इसीलिए नहीं होते क्योंकि इनके बीच में बारीक सी तय होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, इसकी वजह से ये दोनों मिक्स नहीं होते। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सिर्फ लार्ज एग होता है ऑस्टिच का होता है, उसका 1.5 केजी होता है। सबसे छोटा एग होता है हमिंग बर्ड का, वो हाफ ग्राम।